नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान जारी है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से देश में 21 जून को सभी के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की गई। 21 जून को देश में रिकॉर्ड 86,16,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। ये देश में 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीन अभियान के एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं अब तक करीब 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीन को लेकर सरकार लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है। सरकार इस साल दिसंबर तक सभी वयस्कों को वैक्सीन देने का टारगेट लेकर चल रही है। लेकिन इस बीच एक सर्वे बताता है कि देश में अब भी 33 करोड़ वयस्क ऐसे हैं जो वैक्सीन को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं, यानी कि उनमें वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट है। सरकार वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहों पर बयान जारी कर चुकी है। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में उठ रहे वहम को दूर करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन सर्वे एजेंसी लोकल सर्किल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लोगों के मन में अब भी कई सवाल हैं। सर्वे में उन लोगों को शामिल किया गया जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं ली है। ये सर्वे देश में 279 जिलों में 9,000 प्रतिक्रियाएँ ली गई। सर्वे में शामिल लोगों में 65% पुरुष थे जबकि 35% महिलाएं थीं। इसमें सभी वर्गों को शामिल किया गया। शहर और गांव की आबादी को भी सर्वे में जगह दी गई। इस सर्वे में 29% लोगों ने माना कि वो वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं और मिलने पर वैक्सीन लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं 24% लोगों का कहना है कि वैक्सीन नए वेरियंट पर कितनी कारगर है, हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा 33 करोड़ वयस्क आबादी ऐसी है जिनमें अभी भी वैक्सीन लगवाने को लेकर कई तरह के सवाल हैं। 20 करोड़ आबादी ने कहा कि वो जल्द ही वैक्सीन लगवा लेंगे। वहीं 16 करोड़ ने कहा कि जब तक इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाते कि मौजूदा वैक्सीन वर्तमान और भविष्य में आने वाले वेरिएंट के खिलाफ कारगर है, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कुल 94 करोड़ आबादी को टीका लगना है जिसमें से 24 करोड़ को एक डोज लग चुकी है। अभी करीब 70 करोड़ लोगों को और वैक्सीन देनी है। इस सर्वे में सरकार से वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान को और तेज करने की अपील की गई है। देश में नए वेरिएंट और नई लहर का भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में अगर वैक्सीन को लेकर सवाल है, कुछ भ्रम है या फिर शंकाएं हैं तो उन सवालों को दूर करना बेहद ही ज़रूरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।